हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप, नाम चाहे जो भी हो, आप इसे चाहे जिस भी नाम से पुकारना चाहें, समस्या बहुत बड़ी है। और इसी के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। हाइपरटेंशन का एक और नाम है साइलेंट किलर। अब इसको साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? यह हमारी बॉडी में ऐसे धीरे धीरे बढ़ जाता है कि कई सारे कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां हो जाती हैं। अब इसमें दिल का दौरा पड़ने की बात करें, हम स्ट्रोक की बात करें, या फिर दिल से जुड़ी कोई छोटी बड़ी बीमारी हो, इन सब की जड़ जो है ना वो हाइपरटेंशन ही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कब हो जाती है पता ही नहीं लगता। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो एडल्ट पॉपुलेशन का 45% से ज्यादा हाइपरटेंशन से परेशान है, यानी कि इस बीमारी से ग्रसित है। और हाइपरटेंशन होने के लिए आपका अमीर होना, गरीब होना या मिडिल क्लास होना जरूरी नहीं है, ये हर तबके में बराबर रूप से देखा गया है। अगर और आंकड़ों की माने तो हाइपरटेंशन से होने वाली मौतों की संख्या 1990 से बढ़ती ही जा रही है और ये लगभग हर साल 15-20% इंक्रीज हो रही है। अगर एक और आंकड़े की माने तो 2025 तक हाइपरटेंशन के आंकड़े 150 CR को छूने वाले हैं। वैसे तो हाई ब्लड प्रेशर एक बड़ी बीमारी है, लेकिन हाँ, इसकी शुरुआत जब हो और उसी समय से हम इसका ध्यान रखने लगे तो ये बड़ी बीमारी होने से बच जाती है। अच्छा, कुछ लोगों में ये भी प्रॉब्लम देखने को मिली कि वैसे उनका BP नॉर्मल होता है, लेकिन जब भी वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप कराने के लिए, या किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी क्लिनिक में जाते हैं, तो BP अचानक से शूट अप हो जाता है, यानी कि BP अचानक बढ़ा हुआ होता है। ऐसा कई बार इसलिए भी होता है कि घबराहट से क्या होता है कि हमारे BP जो है ना उसमें बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि फिर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी मेडिकेशन लेनी पड़ती है जिससे ये बीमारी ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो इसका भी हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि हम अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखना है, ताकि किसी ज़रूरत के समय हमारा BP जो है वो भी नॉर्मल रहे, ताकि हमारी बॉडी में किसी भी तरीके की कोई एक्स्ट्रा हलचल ना हो। अब अगर आपको BP की प्रॉब्लम हो ही गई है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं दवाइयों के साथ साथ जिसका ध्यान रख के ब्लड प्रेशर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कैफीन का इंटेक अगर आपका बहुत ज़्यादा है उसको कम कर सकते हैं, आप अपने स्मोकिंग को और अपने अल्कोहल की आदत को कुछ हद तक कम ज़रूर कर सकते हैं, आपको अपने बॉडी को किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज जरूर रखना है, यानी कि आपको योगा करना है या फिर आपको जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, मॉडरेट वे में कीजिए, लेकिन अपनी बॉडी को एक्टिव आपको ज़रूर रखना है। खाने का भी ध्यान रखना है, जैसे ज़्यादा पोटेशियम यानी कि ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, ये तो आपने सुना भी होगा। आपको अपनी नींद का भी पूरा ध्यान रखना है, कम से कम 6-8 घंटे की नींद जो है वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा शुगरी आइटम्स नहीं खाने हैं, बाहर का प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, और अपने खाने में हेल्दी प्रोटीन को शामिल करना है, कार्बोहाइड्रेट्स को और शुगर को कम करने की कोशिश करनी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हाइपरटेंशन से आपको बहुत हद तक मुक्ति मिल सकती है और आप एक हेल्दी लाइफ ज़रूर जी सकते हैं।